पढ़ाई करते वक्त बच्चों का कंसंट्रेशन बिल्कुल टूट जाता है, ध्यान भटक जाता है। आज की वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगा, मैं आपको इसके कारण बताऊंगा कि ध्यान जो आपका भटकता है, कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो इसके कारण क्या है। और कारण आप जान लोगे तो उसी कारण को आप सही कर लोगे, दूर कर लोगे, तो फिर आपका वही आपका सोल्यूशन भी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो पसंद आने पे एक लाइक करके कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ चलते हैं। देखो, आप पढ़ना चाहते हो, आप कुछ आपका एक अचीव करना चाहते हो, आपने कोई गोल बना रखा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपके जो स्टडी है उसमें पूरी तरीके से आप अपने कंसंट्रेशन को यूज कर सके, तभी आपके जो स्टडी है उसमें आप प्रोडक्टिविटी ले आएंगे। यानी जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप एक घंटे मेहनत करते हैं तो मायने रखता है कि एक घंटे में आपका कंसंट्रेशन कितना देर था। बात करें तो आपका कंसंट्रेशन आप पाओगे कि आप पढ़ने बैठते हो लेकिन आपका जो है ध्यान इधर उधर की बेकार की चीजों पे ज्यादा चला जाता है। इससे ये होता है आपकी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जो है आपका आउटपुट ज्यादा अच्छा नहीं आ पाता है। आपको ये लगता है कि एक घंटा बीत गया लेकिन हमने अभी तक पढ़ाई कुछ की नहीं है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान दो तो इन सभी चीजों का, जो इन सभी परेशानियों का बस एक ही कारण है, वो है सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया कह रहा हूँ। जिस तरीके से हर एक चीज का एक अपना बेनिफिट होता है, तो उसका दूसरा कुछ नुकसान भी होता है। जी हाँ, जहाँ लाभ है वहां हानि भी है, उसी तरीके से सोशल मीडिया, जहाँ आज इसके बहुत सारे फायदे हैं तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, और उन नुकसानों में ही ये नुकसान हो रहा है। कहते हैं कि किसी चीज को आप यूज करो तो उसको एक अति, यानी उसको एक लिमिट में रहना चाहिए। कोई भी चीज जब अति हो जाती है, लिमिट से ज्यादा हो जाती है, फिर वो आपको नुकसान ही करता है। जी हाँ, तो सोशल मीडिया में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो ट्विटर इस तरीके से आप बहुत चलाते हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको चलाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक लिमिट में। लेकिन वो लिमिट जो हो जाती है, वो लिमिट ही कंट्रोल में नहीं रह पाता बच्चों को, कि समझ नहीं पाते। देखो, होता क्या है कि आप जब इन सोशल मीडिया पे हो तो इस पे आने वाले जो नोटिफिकेशन है, जब आपका नेट ऑन रहता है तो इसके बार बार के आने वाले नोटिफिकेशन से आप बार बार अपने नोटिफिकेशन को चेक करते हो, जिसके वजह से आपकी धीरे चलते चलते आपकी क्या हो जाती है, एक आदत सी बन जाती है। आप आजमा के देख लेना, कई बार अगर आप अपने नेट को ऑफ करके रख दो फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि उसका मैसेज आने वाला है या उसका मैसेज आने वाला है। इस तरह की आपकी जो आदत पहले लग चुकी है, वही आदत बनी रह जाती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर सच में आप 100% अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, अगर आप 10th से नीचे हो तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 10th में एक अच्छी परसेंटेज लाना। इसके बाद आप अपना स्ट्रीम ले लेते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी आपको अपना चाहिए, उसके बाद आपका अचीव होना चाहिए कि आपको 12th में जो है एक बेहतर नंबर लाना है, एक अच्छे मार्क्स लाना, जिससे आप अच्छे मार्क्स की बदौलत ही आप जो है अपने मनचाहे कोर्स या मनचाहे कॉलेज में आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको अपना, मतलब सबसे पहले जरूरी ये है, आपको अपने स्टडी पे फोकस करना है। तो अब इसका तरीका क्या, सोशल मीडिया को पूरी तरह बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि पूरी तरह से बंद करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो आपसे रह जाएंगी। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो आपका दिमाग आज नहीं लग पा रहा, जो कंसंट्रेशन टूटा हुआ है, उसके पीछे सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना है। दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ज्यादा यूज मत कीजिए। आपको करना ये है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं आप नेट को ऑफ कर दीजिए, हो सके तो फोन को साइड रख दीजिए, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। आप फिक्स कीजिए कि मुझे इतने से इतने देर तक पढ़ाई करनी है, 3 घंटे 4 घंटे या पढ़ाई करनी है, उसके बीच में मैं मोबाइल को यूज भी नहीं करूंगा। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे आपको कोई अपने आपके कोई डॉट है वो क्लियर करने हैं, तो उसी कंडीशन में, या फिर आपको कोई वर्ड सर्च करना है, किसी वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में आप उसको यूज कीजिए, जस्ट एक हेल्प लीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नहीं तो ये सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि कारण ही अगर आप सही समझ गए और इसी को आप सही करोगे तो यही आपका सॉल्यूशन है। यानी आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि दूरी बनाए रखने से आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन ज्यादा इसको आदत बना लोगे
तो ये आपको बर्बाद कर देगी, आप अपने अपने जो आपका असली लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो जरूर एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं आप सोशल मीडिया में अधिकतर क्या चलाते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपने भी कभी आपने सोचा आपने कितना टाइम वेस्ट किया है और आपने सोशल मीडिया को चलाने का आपको क्या फायदा मिला, फायदा तो नहीं मिला होगा, अधिकतर निगेटिव ही रहता है। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, आपने इतना टाइम दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।